धार जिले के नौगांव थाना अंतर्गत सुनार खेड़ी फांटे के पास 17 जून को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बोलेरो वाहन ने दोपहिया वाहन से घर जा रहे तीन लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें पिता पुत्री और भाभी की मौत हो गई थी। सभी मृतक ताजपुर के रहने वाले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो संदेह के घेरे में मृतक बबीता का पति यशवंत आया, क्योंकि उसका और बबीता का वर्षों से धार कोर्ट में मामला चल रहा था और यशवंत कई बार उसको जान से मारने की कोशिश कर चुका था। दुर्घटना में इस्तेमाल वाहन भी चोरी का था और उस पर लगी नंबर प्लेट भी मृतक की गाड़ी की थी, लिहाजा पुलिस का शक हकीकत में बदल गया। पुलिस ने आरोपी यशवंत को पकड़कर पुलिसगिरी दिखाई तो उसने कबूल किया कि उसने ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था, जिसमें ससुर कल्याण, उनकी बहू बबीता और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे सहित तो अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने यशवंत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसके साथ जिसने देखी कि प्रवीण, उसको भी आरोपी बनाया गया। आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस से नहीं बच सकता। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा किया। पुलिस क्राइम ब्रांच और साइबर की अहम भूमिका से मामला चंद दिनों में निपट गया। एसपी को आते ही सफलता मिल गई। देखिए, 17 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था सादलपुर रोड पर, जिसमें एक बोलेरो ने एक बाइक को टक्कर मारी थी, जिसमें दो महिला और एक पुरुष की मृत्यु हो गई थी। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो उसी समय से ये संदिग्ध था, क्योंकि बोलेरो पे एक नंबर लिखा हुआ था जो मृतक परिवार से रिलेटेड था। पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में ये निकला कि इसमें एक मृतिका बबीता, उसके पति यशवंत ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। उसने अपने एक दोस्त प्रवीण के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की, एक चोरी के बोलेरो का इस्तेमाल किया और इसके दोस्त प्रवीण ने लगातार उनका पीछा करके लोकेशन दिया और पेशी से वापस जाते हुए उसने बोलेरो तेज़ गति से चलाकर और डैश की, जिसमें तीन लोगों की मृत्यु हो गई। सर, हत्या का क्या कारण बताएं? उसका बेसिकली कारण ये रहा कि इनका जो मेंटेनेंस का केस चल रहा था वो केस हार रहा था, और क्योंकि उसको इस बात से प्रॉब्लम थी कि वो अलग रहती थी और उसको मेंटेनेंस देना पड़ रहा था, तो वो ये पूरी प्लानिंग के तहत वो करके इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता था।